पूरे देश से अगर कोई दिल्ली घूमने आता है तो उसकी सबसे पहली पसंद होती है घूमने के मामले में कि लाल किला घूमेंगे। लाल किला जनता की तो है ही सबसे पहली पसंद, लेकिन नेताओं की भी सबसे पहली पसंद होती है। कोई भी किसी पार्टी का नेता हो, वहां पे जाके झंडा फहराने की हर एक की ख्वाहिश होती है। अगर आप लाल किला घूमने जाने का परिवार सहित मन बना रहे हैं तो आपको सुझाव है कि ऑनलाइन टिकट बुक करवा कर ही जाएं, क्योंकि लाहौरी गेट के पास बनाए गए टिकट काउंटर को जल्द ही भारतीय पुरातत्व विभाग बंद करने जा रहा है, जिसके बाद सिर्फ दिल्ली गेट के टिकट काउंटर से लाल किला की टिकट मिलेगी, लेकिन प्रवेश के लिए लाहौरी गेट तक आना पड़ेगा। इस दौरान काफी लंबी दूरी पर्यटकों को पैदल तय करनी पड़ेगी। बता दें कि लाल किले में लाहौरी गेट प्रवेश द्वार से पर्यटकों की एंट्री होती है, जहाँ से छत्ता बाजार नौबत खाना होते हुए पर्यटकों को दीवाने आम तक पहुंच पाते हैं। लाहौरी गेट पर बनाए गए टिकट काउंटर को जल्द ही ASI बंद करने जा रही है, क्योंकि टिकट काउंटर बेसमेंट में बनाया गया है। इसके सामने एक बड़ी दीवार खड़ी की गई है, जिसके चलते पर्यटकों को लाइन में सीधा खड़े होने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं टिकट लेने वालों की भीड़ वीकेंड के दौरान कई बार मुख्य सड़क तक भी पहुंच जाती है, इसलिए इस दीवार को हटाने का फैसला ASI ने किया है, जिसके चलते कुछ महीनों तक लाहौरी गेट के नजदीक बने टिकट काउंटर को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लाहौरी गेट के पास बने टिकट काउंटर को 6 टिकट खिड़कियों के बावजूद पर्यटकों को घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, वो भी आड़ी टेढ़ी लाइनें होने से असुविधा होती है, इसलिए इस दीवार को हटाने का ASI ने निर्णय लिया है। और जब तक ये दीवार नहीं हटती है, तब तक आप ऑनलाइन ही टिकट बुक कराएं, तभी फायदे में रहेंगे अगर लाल किला घूमने जा रहे हैं तो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।